नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हंगेरी वर्सेस पोर्टुगल के बीच जो खेला जाएगा यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप ग्रुप बी का फर्स्ट एलिमिनेटर। जो विन करेंगे वो क्वालिफायर टू में खेलेगा। हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, दोनों ही टीम के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। मैं एक चीज़ आपको शुरू में क्लियरली बताना चाहूँगा, एक हफ्ते पहले दो तीन दिन पहले तक गए हंगेरी बहुत डोमिनेट करके आ रहा था। इन्होंने हेड टू हेड भी हुआ था ना इसी टूर्नामेंट में और इसी ग्रुप में, तो वहाँ पे हंगेरी ने दो विन किया, पोर्टुगल ने दोनों हारा। बट करेंट सिचुएशन देखोगे, जो लास्ट डे था, जो डे हो चुका है खेला, वहाँ पे गाइस हंगेरी ने अपने दोनों मैच हारे हैं और वहीं पे पोर्टुगल ने अपने दोनों मैच विन किया और इन्होंने नेदरलैंड्स को हराया। पोर्टुगल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा, इनका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आई थिंक जो क्रिकेट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो आई थिंक पोर्टुगल के पास फिलहाल मोमेंटम है। ये मोमेंटम ब्रेक एक ही प्लेयर कर सकता है हंगेरी से, अगर किसी को करना पड़े तो वो एक ही प्लेयर होगा। कौन होगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा वीडियो में। आपको इन डेप्थ दोनों ही टीम के बारे में सब कुछ मिलेगा, जो बेसिक सा बात है। बट जो पॉइंट्स होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस एंड मेरे हिसाब से थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स और पंथ पीक्स, वो आपकी टीम में मैटर करेगा। तो मेक श्योर करना वीडियो अंत तक देखो, पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप लोग चैनल में न्यू हो एंड फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ECC के मंडे से कवरेज मिलेगा ग्रुप सी का, 5 न्यू टीम होगा। साथ ही साथ कवरेज मिल रहा है असम T20 मिल रहा है गाइस, कहाँ हो रहा है, साइप्रस में हो रहा है T10, हांगकॉन्ग में हो रहा है T20, और भी कई मैचेस होंगे। एंड मैं ट्राई करूँगा नेपाल एवरेस्ट T20 भी कवर करने का, लेट्स सी, वो हम लोग देखते हैं, ऑन होल्ड में रखते हैं। फिलहाल इस मैच में आता हूँ, लाइक करके स्टार्ट रखना। एंड हाँ, फाइनल अपडेट इस मैच का आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, केवल इस मैच का नहीं, जो भी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा उसका जो भी फर्स्ट मैच होते हैं उसके फाइनल एंड एक्सक्लूसिव अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर का लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, और मैं प्रेफर करता हूँ जो डिस्क्रिप्शन में है और आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, उस लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करना। अगर लिंक काम नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हो @TeamFTF। अगर सर्च करोगे तो फिलहाल कुछ 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स है, ज्वाइन हो जाना, आपको फाइनल अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। आता हूँ मैं एनालिसिस में, लाइक करके स्टार्ट रखना, इससे एकदम मोटिवेशन लेवल ऊपर रहता है। ये नया नौटंकी आई डोंट नो क्यों होता है। हाँ, हंगेरी से पोर्टुगल से मैं आता हूँ। अब कटम स्पेन में सेम ग्राउंड खेला जा रहा है, 105 से 110 बनेंगे। एंड पोर्टुगल स्पेशली इनके जो बैट्समैन फॉर्म में है, ज़्यादा भी बन सकता है। स्पेशली जो होता है ना क्लासिकल जेन्युइन बैट्समैन, उन वो टीम में रहने से क्या होता है वो पोर्टुगल को मालूम चल रहा है। 12:30 इंडियन टाइम स्टार्ट होगा। रेन गो अवे हम लोग को करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे जो लग रहा है कि रेन प्ले करेगा बहुत ज़्यादा रोल। एंड अब अगर रेन प्ले करना स्टार्ट किया तो रिड्यूस्ड ओवर, मतलब 5 ओवर, क्योंकि फाइनल मैच है, कराने का पूरा कोशिश करेगा, इवन 4 ओवर में भी शायद मैच कराए। तो उस सिनेरियो में आपको क्या कुछ करना पड़ेगा वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा गाइस, डिपेंड्स ऑन टॉस। पोर्टुगल से अगर मैं बताऊँ, शरण गोम्स लास्ट दोनों इनिंग्स घुमा के रख दिया पूरा पोर्टुगल को। एंड ये दोनों इनिंग्स ना बहुत ही गाइस अच्छा तरीके से आया, ऐसा नहीं कि बैट घुमा रहा था बॉल बाहर जा रहे थे, नहीं, उन्होंने जेन्युइन शॉट्स खेले, अच्छे शॉट्स खेले और बढ़िया स्कोर खेला। एंड ये प्लेयर कहाँ का है, मैं पहला दिन से चीख चीख के आपको बता रहा हूँ, नॉर्थहैम्पटन शायर का है गाइस, 2nd 11 के लिए खेल चुके अजहर अदनानी, जो भी नाम है, 23, 18, 22, 6, 1, 12 है कुछ इनका रिकॉर्ड। राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम। बट एक चीज़ क्या है ना, अपना पंथ अच्छे खासे यूज़ कर सकते हो। अगर देखोगे लास्ट 3 मैच कैसे मोमेंटम शिफ्ट हुआ है पोर्टुगल के तरफ, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्पेशली अजहर अदनानी का फॉर्म और साथ ही साथ शरण गोम्स का फॉर्म और बीच में अमीर ज़ैब का, अगर देखोगे तो ये दो वाइटल की प्ले जो था इनका। एंड अमीर ज़ैब का इस बॉलिंग तो नहीं किया एक आधा मैच में, बट ये कभी भी अपने दोनों ओवर कंप्लीट करा सकता है, बहुत ही डिसेंट कैप्टन वाइस कैप्टन पिक आ जाता है अमीर ज़ैब। और नज़म शहजाद विद बॉल ज़्यादा इफेक्टिव है कम्पेयर टू विद बैट, बट ये हार्ड हिटिंग कर सकता है, जो पहले 2 मैच में आपको दिखा था बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। अब इनका अगर देखोगे टॉप 4 खत्म हो जाता है तो मैच भी ऑलमोस्ट इनके हाथ से निकल जाता है, विद बैट कुछ नहीं रहता है। बट इमरान खान बॉलिंग फर्स्ट आपके लिए डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन पिक। जुनेद खान बॉलिंग फर्स्ट से भी ज़्यादा बॉलिंग सेकंड मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। स्टिल आप दोनों कंडीशन में इमरान खान जुनेद खान को यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा इमरान खान बॉल फर्स्ट और जुनेद खान बॉल सेकंड, मस्ट हो जाते हैं गाइस, बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड है दोनों के लिए। एरन चैम्बर्स छोड़ दो, अमनदीप सिंह अगर ऑप्शन मिले तो आराम से ड्रॉप कर देना, सिराज निपो भी ड्रॉप कर देना अगर ऑप्शन मिले। अब बात क्या होता है ना, अब बात देखो, सिराज निपो को टीम थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता है कि ऐसा बॉलर, कंपेयर टू
अमनदीप सिंह, इन्होंने इनको जितना बॉलिंग दिया है उससे थोड़े से ज़्यादा ही इनको बॉलिंग मिले हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा पहले सिराज निपो को प्रेफर करो और फिर अगर आप हो सके तो अमनदीप सिंह को, बिकॉज दोनों इन नेचर सेम है, बट टीम सिराज निपो को ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेंस देता है ऐसा मुझे लगता है। बाकी छोड़ देना यहाँ से। ओपनिंग बॉलर नजम शहजाद, जुनेद खान और डेथ में आते हैं नजम शहजाद, कभी कभार आते और कभी कभार नहीं आते ये अक्सर, और इमरान खान आपको डेथ करते हुए दिखेंगे स्पेशली, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बॉलिंग फर्स्ट, और कभी जुनेद खान और गैस थर्ड बैकअप अमीर जैप करा सकता है एक आधा ओवर डेथ में। हंगरी से अगर बताऊँ ना, एक ही प्लेयर है जो चेंज कर सकता है मोमेंटम, वो है जीशान कुकी खेल। देखो इनका फॉर्म देखो, शुरू के मैचेस में थे थोड़े ऑन एंड ऑफ, बट लास्ट के कुछ मैच में बहुत ही ज़्यादा ऑफ। बॉलिंग नहीं किया लास्ट मैच में, बट मैं प्रेफर करूँगा कि इनसे टीम बॉलिंग कराए फाइनल मैच में। कमाल का डेथ बॉलर है, विकेट टेकर भी है। अब देखो तीन मैच में बॉलिंग किया बंदे ने, उनमें से गए चार मैच में तीन में विकेट निकाले और गुच्छे में विकेट निकाले, क्यों नहीं करते मुझे नहीं मालूम, बट हाँ करना तो चाहिए, लेट्स सी। बाकी मार्क आहूजा का फॉर्म थोड़ा ऑफ है, बट एक ये भी ऑलमोस्ट ना शेरोन गोम्स के लेवल के प्लेयर है, जो हर बॉल में नहीं घुमाता है बैट, बट बहुत ही डिसेंट खेल सकता है मार्क आहूजा। हर्ष मंदियान आपके लिए स्पेशली अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो ज़्यादा बेटर पिक कम्पेयर टू बैटिंग सेकेंड, क्योंकि ये आपको हार्ड हिटिंग भी कर सकते और गैस मतलब एक एक सिंगल रोटेशन भी इनका अच्छा खासा है। जीशान सफ़ी ये बैटिंग फर्स्ट करेगा तो वन डाउन आएगा, और बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो कोई भी आ सकता है हर्ष मध्यान और जीशान सफ़ी से, बट बैट अगर फर्स्ट हुआ इनका तो जीशान सफ़ी आपको वन डाउन खेलते हुए दिखेंगे। अश्वथा नारायण, विली गमागे, देखो अश्वथा नारायण का बैटिंग के चांसेस ज़्यादा है कम्पेयर टू और इनके ओपोनेंट के जो बैट्समैन है एम फ्रांको जो भी नाम है, ये कुछ रहा छोड़ देना। खट्टरपल मेरे हिसाब से लास्ट मैच में नहीं खेला, बट इस मैच में कमबैक करेगा और डेथ भी करा सकता है, डिफरेंशियल चॉइस होगा आपके टीम में, होना चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा कि प्योर बैट्समैन और मे बी अपना ऑलराउंडर से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, बट खट्टरपल है प्योर बॉलर तो ये चीज़ ध्यान देना, फिलहाल इस सीजन के लिए बॉलर है, बाकी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। निशान लियानिच मैं नहीं लूँगा। सलमान खान बॉलिंग फर्स्ट जरूर रखना और बॉलिंग सेकंड रोटेशन कर सकते हो, एंड इवन ये ना जो लास्ट के कुछ मैच थे उसमें अच्छा हिटिंग किया, तो देखना ये टू डाउन थ्री डाउन बैटिंग करते हुए मुझे दिख रहा है। एलिमिनेटर है ऑलमोस्ट इनके लिए, फाइनल है, नॉकआउट हो गया तो टीम तो 100% देगा विनिंग के लिए। संदीप मोहनदास ये एक और प्लेयर है जो बॉलिंग सेक्शन से ना थोड़ा सा तंग कर सकता है, स्पेशली अजय रंदानी और शैनन गोम्स का, जो अगर ओपनिंग पार्टनरशिप टूट गया जैसे भी हो तो ना वो टीम थोड़े से प्रेशर्स में आ सकते हैं पोर्टुगल, तो ये बहुत कुछ मतलब इनका दामोदर रहेगा। संदीप मोहनदास दो प्लेयर से मैच घुमा सकता है, एक जीशान कुकी खेल वरना संदीप मोहनदास, ये दोनों से कोई एक अगर मैच नहीं घुमाया तो मेरे हिसाब से पोर्टुगल को ये मैच लेके जाना चाहिए, लेट्स सी, क्योंकि मैं मोमेंटम के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ओपनिंग बॉलर संदीप मोहनदास, हर्षमान ध्यान, अब डेथ में कौन आएंगे, एस खान आएंगे, खट्टरपल आएगा, यलमस अगर खेला तो खट्टरपल, ठीक है, और सलमान खान ऑब्वियसली डेथ कराएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा इस मैच का आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे आ जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल में न्यू हो एंड फर्स्ट टाइम हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल कैप्टन चॉइसेस में अमीर जैप है मेरे हिसाब से इनफॉर्म प्लेयर, जीशान खान बेस्ट पिक है बट आउट ऑफ फॉर्म है, ये एक इशू है इनके साथ, अदरवाइज ये इनको ही मैं बोलता कैप्टन वाइस कैप्टन रखने को। अमीर जैप देखो बॉलिंग कर नहीं रहा है, बैटिंग कर रहा है वन डाउन, पावर प्ले अगर ख़त्म हो जाता है आई थिंक थोड़े से मारने के चांसेस घट जाते हैं, ऐसे नहीं कि एग्जाम से घट जाते, बट स्टिल अमीर जैप ही मेरे सबसे सेफ है फिलहाल, क्योंकि कुकी खेल का फॉर्म ऑफ है। अगर जीशान खान कुकी खेल का फॉर्म रहता तो मैं बोलता जीशान सेफ है, नजम आपके लिए सेफ होंगे अगर बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट किया, एंड ज़्यादा मत सोचना ये सेफ है क्योंकि अमीर जैप बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं गाइस, अजय रंदानी और शैरोन गोम्स, अब डिफरेंशियल बढ़िया हो सकता है, शैरोन गोम्स जरूर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ना एक जो बैट्समैन होता है क्लासिकली और आप बोल सकते हो टेक्निकली स्ट्रांग, वो बैट्समैन अक्सर बड़े मैच में रन ज़्यादा करते हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए ये बात। इमरान खान अगर बॉलिंग फर्स्ट किया तो वाइस कैप्टन जरूर यूज़ कर सकते हो। बाकी अपडेट इस मैच का रिलेटेड आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे आ जाएगा, टेलीग्राम जाने जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। फिलहाल कैप्टन अमीर जैप, वाइस कैप्टन जीशान खान, कुकी खेल, इमरान खान हमारे पास, नजम शहजाद है, शरण गोम्स, ए अदनानी, एस जहीर जो भी नाम है, एस अश्वथा नारायण, सलमान खान कौन है ये है, और गैस एम फाउंटेन। अब मैंने जुनेद खान, यहाँ पे बहुत क्रेडिट इश्यूज आ रहे तो मैं जिसके कारण ना इनको लेना लगा, बट अदरवाइज मुझे मन नहीं था इनको लेने का। आप चाहो तो इनके जगह संदीप मोहनदास आई थिंक बहुत बेटर पिक हो जाते हैं, स्पेशली अगर ये पिक थोड़ा सा हिल गया, मतलब इन दोनों से कोई एक अगर आउट हो गया
तो गाइस अमीर ज़ेब आएंगे, उसके बाद ये टीम का भी बैटिंग थोड़ा वीक है, बट इनका गाइस प्लेयर्स के फॉर्म अच्छे नहीं है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा जीशान खान कुकी खेल के ऊपर। बाकी अपडेट मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वो तो होगा ही जरूर से, और दे भी दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, बाय।